पर डे हमको लगभग 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था पर डे। नीट 2023 में इनके 677 नंबर आए। एकमात्र हम ऐसा स्टूडेंट है जो न केवल नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक किया हो। पापा जो हैं वो पेशे से किसान हैं और मम्मी जो है वो आंगनवाड़ी सेविका है। नीट 2023 में इनके 677 नंबर आए और ये फिजिक्स वाला के यकीन बैच से पढ़ते हैं। ड्रॉपर छात्रों का बैच होता है यकीन, नीट ड्रॉपर का, और उसी बैच के चलते ये हमसे इनका परिचय हुआ। तो सबसे पहले बेटा बहुत बहुत बधाई हो आप। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अभी सर? बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है सर। जिस टीचर को कभी स्क्रीन में देखा करते थे, आज उसके सामने बैठना बहुत प्राउड मोमेंट है सर मेरे लिए। नहीं नहीं, सबसे प्राउड मोमेंट तो है कि आप एम्स पटना में पहुंच गए। यस सर, ये भी बहुत प्राउड मोमेंट है सर पूरा फैमिली के लिए, पूरा गांव के लिए, क्योंकि गांव का एकमात्र हम ऐसा स्टूडेंट है जो ना केवल नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक किया हो। जन्म आपका कहाँ पे हुआ? घर पे कौन कौन है? माता जी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? सर मेरा जन्म हुआ है धनखेता गाँव में, और मेरे घर में मम्मी पापा हैं, दो दीदी है और एक छोटा भाई है। तो मेरे पापा जो हैं वो पेशे से किसान हैं और मम्मी जो है वो आंगनवाड़ी सेविका है। आंगनवाड़ी सेविका क्या होते हैं समझाएंगे आप? कई लोग को नहीं पता होगा, मुझे पता है। आंगनवाड़ी जैसे होता है कि गांव में छोटा छोटा बच्चा जो कि स्कूल से पहले, जैसे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले जो बहुत छोटा बच्चा रहता है उसको गवर्नमेंट द्वारा एक आंगनवाड़ी चलाया जाता है, उसे ऑल ओवर इंडिया में चलाया जाता है, तो उसी की एक सेविका होती है जो कि उसका हेड होती है। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ पर हुई, स्कूल कहाँ पर था? सर वैसे तो मेरे गांव में सरकारी स्कूल है, बट मेरे पापा चाहते थे कि हम थोड़ा अच्छे से पढ़ें, तो मेरा पहला स्कूल था DAV जहां हमको एडमिशन मेरे पापा कराए थे। फिर जब गांव का माहौल इतना ख़राब था कि पापा नहीं चाहते थे कि हम उस माहौल में पढ़ के कोई गलत डायरेक्शन में चले जाएं, तो वो हमको एक हॉस्टल में डाल दिए थे। गाँव का माहौल ख़राब था मतलब? ख़राब का माहौल मतलब ये है कि सर वहाँ ज़्यादा एजुकेशन को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, ना ही स्कूल अच्छा है, ज़्यादातर बच्चा वही गाय भैंस चराने में रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टूडेंट में प्रतिभा बहुत है वहाँ, बट कोई ऐसा साधन या कोई मोटिवेशन नहीं है वहाँ, इसका कमी है, जिस वजह से बहुत कोई गलत डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे कुछ वही राजनीति हो गया गांव का, लोकल पॉलिटिक्स हो जाता है जो कि बहुत गंदा होता है, और कुछ नशा वसा। तो मेरे पापा चाहते थे कि हम पढ़ें, तो उनका इतना नहीं था हैसियत, फिर भी हमको पढ़ा। इवन मेरे गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका कि कैपेबिलिटी था पढ़ाने का, बट मेरा पापा अपना सब कुछ त्याग करके उनसे भी ज़्यादा अच्छे स्कूल में हमको पढ़ाया हमेशा से। तो क्लास 1, 2, 3 ये सब आप किस स्कूल में पढ़े? DAV पब्लिक स्कूल में हम पढ़े थे, तो शुरू में तो पढ़ने में हम बहुत अच्छा थे। कितना फिर दूर जब था ये स्कूल घर से? घर से 4 किलोमीटर था, तो बचपन में तो रिक्शा से जाते थे, फिर बाद में थोड़ा बड़े हो गए तो साइकिल से जाने लगे। पढ़ने में कैसे थे, टॉप करते थे क्लास में? नो सर, शुरू में तो ठीक थे, फिर जब 2 क्लास के बाद हमको हॉस्टल में जब हम चले गए तो वहाँ मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग माहौल हो गया, तो वहाँ मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। फिर वहाँ से जो मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वो तो फिर डाउनफॉल होते रहा, और मेरा छोटा भाई भी अब पढ़ने लायक हो गया था, तो इसी वजह से हम वापस DAV आ गए। और फिर DAV आए और घर का माहौल में आए तो फिर थोड़ा पढ़ाई मेरा ठीक रहा। घर पर कौन पढ़ाता था? घर पर तो पापा हमको बहुत पढ़ाते थे, हमेशा अपने साथ जहाँ भी ले जाते, जहाँ भी जाते या फिर घर में बैठा के ही पापा बहुत पढ़ाई पे ध्यान देते थे मेरा, वो खुद से पढ़ा देते थे बहुत टाइम तक। तो इस तरह से आप 7th-8th class तक पढ़ते रहे, फिर 7th-8th में भी आप ट्यूशन नहीं जाते थे? नहीं, 8th में फिर हम एक ट्यूशन गए, तो वहाँ फिर वहाँ से 5 किलोमीटर हमको एक स्कूल में जाना पड़ता था, वो स्कूल के ही टीचर थे, एक ट्यूशन पढ़ाते थे, वहाँ जाते थे, तो मतलब पर डे हमको लगभग 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था पढ़ने पर डे।